हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी का पहला पार्ट देखने वाले हैं, सैर। यह एक चित्रात्मक पार्ट है। हमें चित्र का क्या करना है, यहाँ पे निरीक्षण करना है। अभी सैर मतलब यात्रा। तो देखो, सैर पे जाना, घूमने जाना हम सबको क्या लगता है, बहुत अच्छा लगता है। कभी हम फ्रेंड के साथ जाते हैं, कभी फैमिली के साथ जाते हैं। सैर के लिए हम क्या क्या यूज़ करते हैं, तो कभी बस से जाते हैं, कभी जहाज़ से जाते हैं, कभी हवाई जहाज़ से जाते हैं। तो सैर के लिए हम जल मार्ग, वायु मार्ग और स्थल मार्ग का वापर करते हैं। ये सभी मार्ग पर जो यात्रा होती है, उनका अनुभव भी कैसा होता है, अलग अलग होता है। तो इस पार्ट में हम बस स्थानक, उसके बाद में बंदरगाह, हवाई अड्डा और रेल स्थानक, ये देखने वाले हैं। ये यात्रों के साधनों पर हम चर्चा करेंगे। तो चलो, सबसे पहले आज हम देखेंगे बस स्थानक। तो देखते हैं, बस स्थानक ये जो है, बस ये स्थल मार्ग का साधन है, है ना। तो देखो, ये क्या है, बस स्थानक है ना। तो यहाँ पे हमें क्या क्या दिखाई दे रहा है, तो सबसे पहले बस स्थानक क्या है, बड़े और खुले मैदान में बनाया गया है। ये जो बस स्थानक है, ये खुले मैदान में है। कुछ यात्री बस में यात्रा करने जा रहे हैं, तो कुछ यात्री यात्रा करके वापस आ रहे हैं। कुछ यात्री बैठे हुए नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा है ना। वो बस का इंतज़ार कर रहे हैं। तो यात्री इंतज़ार करते हुए बैठे हैं, उनके लिए क्या किया है, जो यात्री वहाँ पे इंतज़ार कर रहे हैं ना, तो उनके लिए देखो, यहाँ पे पंखियाँ है ना, पंखे की सुविधा की गई है। कचरा डालने के लिए यहाँ पे देखो, यहाँ पे जगह जगह क्या रखा गया है, कूड़ादान रखा गया है, और सभी लोग उसमें क्या डाल रहे, कचरा डाल रहे हैं। इसकी वजह से क्या, तो बस स्थानक हमारा साफ सुथरा दिख रहा है। यात्रियों के लिए स्वच्छता गृह की व्यवस्था भी की गई है, यहाँ पे देखिए। तो दूसरी तरफ पीने का पानी भी रखा गया है। समाचार पत्र विक्रेता समाचार पत्र बेच रहा है। उसके बाजू में ही ये, यहाँ पे देखो, खाने के पदार्थ बेचने वाला भी दिखाई दे रहा है। बस स्थानक पर कुछ बसें खड़ी है। बसें खड़ी करने के लिए अलग अलग फलाट क्रमांक निर्धारित किए गए हैं। यहाँ पे फलाट क्रमांक 1, फलाट क्रमांक 2, फलाट क्रमांक 3। बस पर एक सूचना दिखाई दे रही है, राष्ट्रीय संपत्ति हमारी संपत्ति लिखा हुआ है। उसके साथ ही यात्रियों की यात्रा सुखद हो, इसलिए यहाँ पे आपकी यात्रा सुखद हो, ये यहाँ पे आपकी यात्रा सुखद हो, ये शुभकामना भी दी गई है। यहाँ पे हमारा ये बस स्थानक समाप्त होता है। इस पर मैं कुछ आपको प्रश्न दूंगी, उसके उत्तर आपको देने हैं।